गाइस आज मैं आपको राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खाटू श्याम जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। चलो आइए देखते हैं। श्याम बाबा का असली नाम बरबरिक था। उन्हें कलयुग के अवतार के रूप में माना जाता है। बाबा श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडव पुत्र भीम के पात्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार बाबा श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे कटुका से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह है, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा, वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उन्हें शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम जी के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। जय श्री श्याम।